गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर नंबर 1, दैट इज मोशन. इसके हम कुछ बेसिक कंसेप्ट आज डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट. ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मोशन क्या होता है. देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में हमने सिर्फ इनको क्या करना है, शॉर्ट में डिस्कस करना है कि इस पूरे चैप्टर में है क्या और हमने बेसिकली स्टडी क्या किया है. ओके, तो मोशन क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन में बोलते हैं. ठीक है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स. ओके, अगर सराउंडिंग्स के साथ, टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में. ठीक है, अब मोशन का ऑपोजिट क्या होता है, मोशन का ऑपोजिट होता है रेस्ट. ठीक है, तो रेस्ट में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो हम क्या बोलते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, रेस्ट पोजीशन में है. और अगर कोई मूव कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में है, वो मोशन में है. ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में जो हमने मोशन को स्टडी किया है वो टू काइंड्स में की है. वन इज मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन एंड सेकेंड वन इज मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ. ओके, तो स्ट्रेट लाइन में जो हमने स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं. ओके, एंड जो सर्कुलर पाथ में होता है उसे हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं. स्ट्रेट लाइन में जो लीनियर मोशन होता है उसमें उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, वो बिल्कुल सीधा ही चलता रहता है. और जो सर्कुलर पाथ में होता है उसकी कंटिन्यूसली क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है. ठीक है, तो जो स्ट्रेट लाइन है इसमें हमने दो टर्म्स पढ़ी थी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है कि जो एक्चुअल पाथ एक ऑब्जेक्ट ने, एक बॉडी ने ट्रेवल किया है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, अगर वो अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जा रहा है. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. ठीक है, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. ओके, जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी होती है. देखो, क्वांटिटीज दो तरह की होती है, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो दो तरह की होती है, वन इज स्केलर एंड सेकेंड वन इज वेक्टर. जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर होता है. ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. अगर मैं आपको बोल दूं कि आपने 5 किलोमीटर ट्रेवल करना है, ठीक है, तो वो मैंने आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया. अगर मैं बोल दूं 5 किलोमीटर इन ईस्ट, 5 किलोमीटर इन वेस्ट, ठीक है, तो वहां पे मैंने आपको मैग्नीट्यूड भी दिया उसका और डायरेक्शन भी दी है. तो जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसमें अकेला मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है. ठीक है, तो मोशन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन में हमने इस चैप्टर में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी. ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, उसके बाद जो मोशन होंगे सर्कुलर पाथ है, ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं. इसमें डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, उसकी चेंज होती रहती है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो भी क्या है, चेंज होती रहती है. ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज होने से क्या प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है. ठीक है, समटाइम इसीलिए इसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन बोला जाता है. ओके, उसके बाद है मोशन को अगेन टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है. वन इज यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, अब देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यहां पे आप लिखोगे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम
फॉर एग्जाम्पल एक कार है, उसने 2 किलोमीटर 2 मिनट में ट्रेवल किया, फिर अगले 2 किलोमीटर 2 मिनट में ट्रेवल किए, ठीक है, नेक्स्ट 2 किलोमीटर्स 2 मिनट में, ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल हुआ? यूनिफॉर्म का. नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, मान लो हम किसी क्राउडेड जगह पे हैं, ठीक है, तो पहले 2 मिनट में 3 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, फिर अगले 3 मिनट में 1 किलोमीटर ही ट्रेवल कर पाए, उसके बाद 4 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, तो उसमें क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, ठीक है. अब हम मोशन को मेजर कैसे करते हैं? मोशन को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 क्वांटिटीज हैं, राइट डाउन मेजरमेंट ऑफ मोशन. सो बेसिकली इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन. ओके, तो देखो स्पीड क्या होता है, स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम. वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. एंड जो एक्सलरेशन होती है दैट इज वेलोसिटी बाय टाइम. ओके, अब जो स्पीड है वो क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम. जो एवरेज स्पीड है, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो वो होता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन. अब डिस्टेंस के यूनिट्स देखो, डिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, मीटर. डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है. टाइम के यूनिट क्या होते हैं, सेकेंड. तो हमारे पास इसके यूनिट क्या आ गए, मीटर पर सेकेंड इनवर्स. सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं, तो इसके यूनिट्स भी क्या आ गए, मीटर सेकेंड इनवर्स. ओके, अब देखो एक्सलरेशन के यूनिट्स क्या हो गए. अब वेलोसिटी के यूनिट क्या है, मीटर सेकेंड इनवर्स. टाइम के यूनिट क्या है, सेकेंड. तो ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर. ओके, तो हमारे पास ये इनके यूनिट्स हैं. ओके, अब जो एक्सलरेशन है वो दो तरह की होती है. फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म एक्सलरेशन एंड सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन. ओके, तो इसमें क्या है, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन में क्या है कि जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज, मींस जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वो इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट, बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, अगर जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, तो इसमें इंटरवल्स क्या होंगे, वो हमारे पास इक्वल होगी. ठीक है, पर नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में जो वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज और डिक्रीज होगी बाय अनइक्वल. बस नॉन यूनिफॉर्म में इक्वल की जगह पे क्या आ जाएगा, अनइक्वल आ जाएगा. ठीक है, एक्सेलरेशन को फर्दर हम पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन में भी डिस्कस करते हैं. पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं. ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या है कि उसकी हमारी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली, मतलब हम अगर कार ड्राइव कर रहे हैं तो हम अपनी वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, हम कहीं पे भी ब्रेक नहीं अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो वो क्या है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है. अब नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या है कि हम मतलब फास्ट ड्राइव कर रहे थे, आगे से एकदम से कुछ आ गया, तो हमने क्या अप्लाई की, ब्रेक अप्लाई की, उससे हमारी जो वेलोसिटी थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई. ठीक है, तो उससे जो हमारे पास एक्सेलरेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन. रिटार्डेशन जो टर्म है वो मोस्टली आपको न्यूमेरिकल्स में मिलेगी, और इसके लिए हम क्या साइन यूज करते हैं, नेगेटिव साइन यूज करते हैं. ओके, उसके बाद है मोशन में फर्दर इक्वेशंस ऑफ मोशन. इक्वेशंस ऑफ मोशन, ओके,
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इक्वेशंस ऑफ मोशन. हमारे सिलेबस में इसकी सिंपल डेरिवेशन भी है और इसकी ग्राफिकल डेरिवेशन भी है. ओके, तो यहाँ पे हम सिर्फ इसकी जो एक्सप्रेशन है वो डिस्कस करेंगे. ओके, इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमारे पास जो रिलेशन दिए गए हैं दैट इज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन, सेकेंड वन इज पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन एंड थर्ड वन इज पोजिशन टाइम रिलेशन. ओके, सो वेलोसिटी टाइम रिलेशन में हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है डेट इज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेयर वी इज द फाइनल वेलोसिटी, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, ए इज द एक्सेलरेशन एंड टी इज द टाइम. ओके, सेकेंड वन इज पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन. पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन में जो हमारे पास है ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है डेट इज वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू टू ए एस, जिसमें वी अगेन फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, टू कांस्टेंट है, ए एक्सेलरेशन है, एस क्या है हमारे पास डिस्टेंस है. ओके, एंड सेकेंड थर्ड वन इज पोजिशन टाइम रिलेशन, जिसमें हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. एस क्या है हमारे पास डिस्टेंस है, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, टी क्या है टाइम है, वन बाय टू अगेन कॉन्स्टेंट है, ए एक्सेलरेशन है और टी यहाँ पे फिर से क्या है हमारे पास टाइम है. ओके, सो बेसिकली इन ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन की हमारे पास सिंपल डेरिवेशन भी है और हमारे पास इसकी ग्राफिकल डेरिवेशन भी है. ओके, उसके बाद जो इस चैप्टर में है हमारे पास ऑलरेडी हम मैंने बताया कि इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो है हमारे पास दैट इज फर्स्ट वन इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड सेकेंड वन इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके, तो डिस्टेंस बाय टाइम, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि ये जो ग्राफ होंगे वो हमें किसके बारे में बताएंगे. अब डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, हमारा स्पीड होता है, तो इसमें जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो स्पीड की डिस्कशन करेंगे. ठीक है, अब वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो इसमें जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो ग्राफ पे एक्सेलरेशन की आएगी. ठीक है, अब डिस्टेंस बाय टाइम ग्राफ में क्या है कि जो टाइम है वो हम कौन सी एक्सिस पे लेते हैं, एक्स एक्सिस पे. ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो हम कौन सी एक्सिस पे लेते हैं, वाई एक्सिस पे लेते हैं. ठीक है, तो इसमें अगर हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड है ऑब्जेक्ट की, जो स्लोप आती है वो क्या आती है, स्ट्रेट लाइन आती है. किस केस में स्ट्रेट लाइन आती है, अगर हमारे पास जो स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है. ठीक है, और अगर हमारे पास स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, मैं यहाँ पे एन यू लिख रही हूँ और यूनिफॉर्म के लिए सिंपल यू लिख रही हूँ. ठीक है, आपने पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है. अगर नॉन यूनिफॉर्म है स्पीड हमारे पास, तो इस केस में हमारे पास क्या, कैसी स्लोप आती है, कर्व लाइन आती है. ठीक है, और अगर बॉडी स्टेशनरी है, मीन मूव नहीं कर रही है, रेस्ट पे है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है दैट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस और एक्स एक्सिस. ओके, अब नेक्स्ट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगेन जो टाइम है वो एक्स एक्सिस पे, जो वेलोसिटी है वो वाई एक्सिस पे. ठीक है, इसमें अगर यूनिफॉर्म मोशन है हमारे पास, मीन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बिकॉज एक्सेलरेशन इसलिए टर्म यूज किया बिकॉज वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, हमारे पास एक्सेलरेशन होता है. ठीक है, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो स्लोप क्या आता है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन आता है. ओके, एंड अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो उस केस में जो हमारे पास स्लोप आता है वो क्या आता है, कर्व लाइन आता है.
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कि इस पूरे चैप्टर में है क्या बेसिकली. मोशन है, मोशन की टाइप्स हैं, फर्दर उसकी मेजरमेंट है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, स्पीड में उसका यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी में अगेन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टेनियस वेलोसिटी, इनके बीच में डिफरेंस, एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, ओके, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट. एक यहाँ पे हमने बात करनी है क्वांटिटीज की. फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिससे हम बाकी क्वांटिटीज को डिराइव करते हैं. दो तरह की होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर. स्केलर कौन सी होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर कौन सी होती है जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी होता है. ठीक है, उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये इसकी डेरिवेशन भी हम करेंगे. ओके, एंड जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम ग्राफ्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. दिस इज ओनली द फ्लो चार्ट ऑफ दिस चैप्टर, कि इस पूरे चैप्टर में है क्या. सो फॉर द टाइम हम कुछ ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स. ओके, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे कि मान लो हमारी जो बॉडी है दैट इज एट रेस्ट. ओके, सो इस केस में अगर बॉडी देखो रेस्ट पे है तो हमारा जो स्पीड होगा बॉडी का, स्पीड ऑफ द बॉडी इज जीरो. और इस केस में जो हमारा ग्राफ आएगा, सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे टाइम और यहाँ पे डिस्टेंस. ओके, आप इसको पूरा लिखोगे, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. तो इस केस में हमारा जो ग्राफ आएगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, डेट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. ओके, सेकेंड वन इज, सेकेंड केस इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम ये लेंगे कि अगर जो हमारी बॉडी है डेट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, तो इस केस में जो हमारे पास ग्राफ आएगा डेट इज अ स्ट्रेट लाइन. ओके, अगेन यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ पे टाइम एंड दिस इज अवर ग्राफ. ओके, नेक्स्ट अगर हम लें कि जो बॉडी है उसका क्या है, एक्सलरेटेड मोशन है, मीन वेलोसिटी चेंज हो रहा है, पर इस केस में हम लेंगे कि जो उसका स्पीड है ना वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, मीन पहले 20 था, फिर 30 हो गया, 40 हो गया, सो ऑन, मतलब कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. तो इस केस में हमारा जो ग्राफ आएगा हमारे पास डेट इज लाइक दिस, कि इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, कर्व शेप में आएगा. ओके, अगेन यहाँ पे आप डिस्टेंस लिखोगे और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टाइम लिखोगे. ठीक है, नेक्स्ट अगर सेम बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है पर हम ये मान लेते हैं कि उसका जो मोशन है, जो मतलब स्पीड है वो क्या है, मतलब स्पीड डाउन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उस केस में जो हमारा मोशन, हमारे पास ग्राफ आएगा डेट इज समथिंग लाइक दिस. ओके, कि वो डाउन जा रहा है, कि पहले 40 था, 30 हो गया, 20 आ गया, 10, एंड धीरे धीरे वो जीरो तक आ जाएगा. ठीक है, सो ये हमारे पास क्या थे, फोर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसमें बॉडी फर्स्टली रेस्ट पे है, सेकंड में यूनिफॉर्म स्पीड है, थर्ड में क्या है कि एक्सेलरेटेड मोशन है और स्पीड इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन है और स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स. जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस किया है वैसे ही हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे. ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे अगर कि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हमारी मूव कर रही है. ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो ग्राफ आता है वो टाइम, जो स्ट्रेट लाइन आती है डेट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. ओके, ये फर्स्ट केस है जब जो बॉडी है डैट मूव विथ, बॉडी मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ओके, मीन उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, कंटिन्यूसली जिस पे जा रही थी उसी पे वो जा रही है. ओके,
सेकंड जो इसमें केस लेते हैं कि बॉडी जो स्टार्ट हुई है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है। अब देखो अगर रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो रेस्ट पे उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी होता है यू, तो वो कितना होगा? जीरो। यानी कि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? ओरिजन से। ठीक है, तो बॉडी स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, ठीक है, और यूनिफॉर्मली क्या जा रही है? मूव कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन उसकी क्या है? यूनिफॉर्म है। तो उस केस में हमारे पास जो ग्राफ आएगा डेट इज स्ट्रेट लाइन। ओके, सो यहाँ पे लिखोगे वेलोसिटी और यहाँ पे लिखोगे टाइम। ठीक है, अब मान लो कि जो बॉडी है उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं था, तो इट मीन्स ग्राफ जो होगा वो हमारा ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, वो किसी वेलोसिटी, यहाँ पे मान लो 10 है तो 10 किसी की वेलोसिटी से स्टार्ट होगा, और वो कैसे जाएगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा, क्योंकि बॉडी तो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। ठीक है, बस उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है डेट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स जो बॉडी है डेट इज़ नॉट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। ओके, तो अगर वो रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आएगा। ओके, एंड अगर नेक्स्ट केस हम लेते हैं कि जो वेलोसिटी है, मतलब उसका इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन में मूव कर रही है, जो बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है पर वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो उस केस में अगेन हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी ऐसा बनाया है, तो वो ग्राफ क्या जाएगा? इंक्रीजिंग की तरफ जाएगा। इस तरफ वेलोसिटी आएगी और इस तरफ टाइम आएगा। ठीक है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे स्लोप जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। एंड द लास्ट वन इज कि अगर जो बॉडी है उसका जो एक्सलरेशन है, मीन उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स एक्सलरेशन भी डिक्रीज होगी, तो ग्राफ किस तरह से जाएगा? ऐसे डाउन जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ थे। जैसे हमारे पास 4 डिस्टेंस टाइम ग्राफ थे और 5 हमारे पास क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कि इस चैप्टर में है क्या और हमने स्टडी क्या करना है। ओके।